हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? सॉरी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? कनेक्ट हो जाएंगे एक बार जल्दी से। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? और फटाफट से मेरे सभी साथी मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। तो एक बार मैं आपका कमेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। रजनी कुमारी, संगीता, राहुल वर्मा, ठाकुर, पप्पू, रजनी, संपा मैथी, सभी को दोस्तों गुड इवनिंग है। आर्यन राज, पप्पू, ठाकुर, मोहित, सभी को गुड इवनिंग है। कैसे हैं सभी लोग? हैप्पी होली है आप सभी लोगों को। तो कैसी रही आप लोगों की होली, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है? मतलब आज तो छोटी वाली होली थी, कल बड़ी वाली होली होगी, कल रंग वाली होली होगी। ठाकुर हरीश कुमार जी प्रेजेंट हैं, ठीक है, चलिएगा। तो जितने भी मेरे साथी अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएं फटाफट से, और उसके बाद सारी चीज़ों को कर दिए, ठीक है? लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, ठीक है? कुछ सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी दोस्तों कि सर आज क्लास मत लीजिएगा, आज होली है, हम बिजी हैं, ठीक है? तो उनको भी कंसिडर किया गया है, मैं भी बिजी था काफ़ी, ठीक है? अच्छा, चलिएगा। तो कैसे हैं सभी साथी, एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जितनी भी आज की चीज़ें हैं शेयर वेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो। मैं एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों, ठीक है? पानी वानी पी के शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आज के एमसीक्यू हैं उनको शुरू कर लेते हैं। मैं अच्छा हूँ दोस्त, चलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। जो सब्सक्रिप्शन प्लान है आप लोगों का, वो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं एसएससी की ही बात करूँ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास च्वाइसों का। तो अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लोगों को ढेर सारी च्वाइस देता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो हर सप्ताह 30 से ज़्यादा बैच स्टार्ट होते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्लीट, सब सारे बैच होते हैं। तो आप लोगों को, मतलब जितने भी बेस्ट एडुकेटर हैं, टॉप एडुकेटर हैं, वो सभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग किसी का, जिसका भी आपको समझ लगे, जिसका आपको अच्छा लगे, जो आपके पसंदीदा एडुकेटर हैं, तो उनके बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। 300 से ज़्यादा क्लास एक दिन में होती हैं दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि 300 की 300 आप देख पाओगे, तो उसमें जो आपको सही लगेंगी, जो आपके लिए होंगी, उनको आप देख सकते हैं। 40,000 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट है। मतलब स्टूडेंट अगर देखना भी चाहे तो देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी चॉइसेस हैं आपको, टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ी हैं, कंप्लीट क्लासेस पढ़ी हैं, एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, और दोस्तों 70+ एडुकेटर, जो टॉप एडुकेटर हैं, वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको इसके लिए क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारा, वो 1 महीने से शुरू हो जाता है दोस्तों, और ये 24 महीने तक का आप लोगों का सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो 24 महीने तक का है, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए एक कोड है आपका GC10। तो GC10 कोड लगा करके आप चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को भी दोस्तों हैप्पी होली है, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो देखिएगा, कल हमने जो है 50 क्वेश्चन आप लोगों के कर लिए थे, ठीक है? आप लोगों को याद होगा, तो कल 11 बजे जो क्लास ली थी उसमें 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ठीक है? अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे आगे। तो 51 से हम सारी चीज़ों को देखते हैं फटाफट से, एक बार जल्दी से आ जाओ साथ में दोस्तों। नागी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है? अगर आपसे पूछेंगे नागी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है, बाद में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भी बताऊंगा, ठीक है, जो हमारा ऑफिशियली टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में भी बताऊंगा, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ओके? अच्छा, कौन कौन इसकी PDF चाहता है, ठीक है? अगर कौन कौन कहता है इसकी, कौन कौन इसकी PDF चाहता है, मुझे बता सकते हो? तो बस आपको इतना मार्क करना है, नोट्स बनाने हैं, नागी वर्ल्ड सेंचुरी। तो नागी पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों, यह कहाँ मिलेगा, नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ मिलेगा, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा नॉर्मली आप लोगों से, ठीक है, तो एक बार, हाँ जल्दी से, अगर इसकी दोस्तों चाहिए, नहीं क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम है आप लोगों का, तो एग्जाम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, PDF आगे नहीं बढ़ रही है।
एक मिनट रुक जाइएगा, तब तक आप उस क्वेश्चन का ना आंसर कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से। हाँ कोई बात नहीं हर्ष जी, हो जाता है कई बार, टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं है लोगों के पास ना, एक्चुअली होली का माहौल है, तो इसलिए पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है? अभी होली के काम में आप लोग बिजी हैं तो मैं आपको पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, बेशक एक पीडीएफ बीमारी ही क्यों ना हो, ठीक है? लेकिन कभी कभी बीमारी से ग्रस्त हो जाना चाहिए, दे दूंगा मैं पीडीएफ, क्योंकि अभी बच्चे बिजी हैं थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है? चलिएगा, एक बार मैं पीडीएफ लगा दूँ, वो जाम हो गई है दोस्तों। चलिएगा पीडीएफ। पीडीएफ एक बीमारी है, इससे सावधान रहिएगा। चलिएगा ठीक है, आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, कल भी मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, काम है आप लोगों को, और उस काम के चलते मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। सारी चीजें समझता हूँ, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा, ये बताओ जरा, ठीक है? तो दोस्तों जो नागी वर्ड सेंचुरी है आप लोगों की, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, सभी लोगों का आंसर आपका सही आया था, बिहार में। तो नागी वर्ड सेंचुरी कहां पर थी? बिहार में थी, ठीक है? चलिएगा दोस्तों, आप लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? लेट्स क्रैक दोस्तों, लेट्स क्रैक आप लोगों का जो है सीईटी एग्जाम्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम्स। तो लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर 300 प्लस एमसीक्यू होंगे दोस्तों, ठीक है? तो लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम पर आप लोगों का क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को मिल जाएगी। कहां पर? आपको लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आप लोगों का क्या है 300 प्लस एमसीक्यू है, ताकि आप लोगों को टाइम ना लगे, क्योंकि आप लोगों को जो है ध्यान से इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम का है, तो पंजाब आप लोगों का आंसर बन जाएगा, सभी को मालूम है दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। तो ये जो आपके प्रेसिडेंट है दोस्तों, ये कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है प्रेसिडेंट? इमैनुअल मैक्रोन है। हैप्पी होली दोस्तों, आप सभी को भी हैप्पी होली, ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ग्रीन स्टार अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो ग्रीन स्टार अवार्ड जो रिलेट करते हैं वो किससे हैं? एनवायरनमेंट इमरजेंसी से। किससे दोस्तों? एनवायरनमेंट इमरजेंसी से हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट इमरजेंसी से हैं। चलिएगा ठीक है, तो ये आप लोगों का है, ध्यान रखेंगे इसको। हाँ पता नहीं कैसे होता है वो, मैं समझ नहीं पाता मोहित जी उसके बारे में ना, कमेंट नहीं जा रहे, कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है चलिएगा भाई, मेरे एसएससी की 01, ठीक है चलिएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पनगुनी उथिरम जो आप लोगों का है, पनगुनी उथिरम एक हिंदू त्योहार है, जिसे कहां पर मनाया जाता है? आंसर कर दीजिएगा पनगुनी उथिरम, ठीक है भाई मेरे एसएससी की वाले। तो पहले मैं एसएससी की वाले को थोड़ा सा बताता हूँ, एसएससी की 01 दोस्त, आप कभी कभी तो क्लास देखते हो, अगर आप रेगुलर क्लास देखो तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं खड़े होकर के क्यों नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? तो कभी कभी क्लास ना देख करके ना रेगुलर देखा करो तो पता लग जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 5 अप्रैल से आपको बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, और समझ में आने के लिए मैं जरूरी हूँ, डिजिटल बोर्ड जरूरी नहीं है, ठीक है? समझ में आने के लिए मैं जरूरी हूँ, डिजिटल बोर्ड जरूरी नहीं है, ठीक है चलिएगा।
आगे चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों जल्दी से बताओ, ये त्योहार आप लोगों का तमिलनाडु का है, कहां का त्योहार है? तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात है, मोबाइल फोन के फादर कौन है दोस्तों? मोबाइल फोन के फादर कौन है? तो मोबाइल फोन के फादर कौन है दोस्तों? मार्टिन कूपर। कौन है? मार्टिन कूपर है, मार्टिन कूपर है दोस्तों। अगर मैं बात करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहां पर है? तो छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं, वस्तु संग्रहालय आप लोगों का दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर मिलेगा? महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चूंकि 300 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मुझे जल्दी करना पड़ेगा, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहां पर है? सर जी महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। विजेंद्र सिंह जो बेनीवाल हैं, विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो हैं, वो कौन से गेम से एसोसिएट है? सर बॉक्सिंग से एसोसिएट है। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है बॉक्सिंग से एसोसिएट है दोस्तों। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? कई बार बताया हुआ है, तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आप लोगों का असम के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? असम के अंदर है। ऐसे चीजें ठीक है, जैसे बता रहा हूं तो एक बार थम्स अप दिखा दो, ठीक है? चलिएगा दोस्तों, दूध सागर फॉल कहां पर है? तो देखो बस नोट आपको इतना ही करना है, ये जो दूध सागर फॉल है हमारा, तो दूध सागर फॉल दोस्तों गोवा में है। दूध कहां मिलता है? तो दूध मिलता है दोस्तों गांव के अंदर। कहां मिलता है? गांव के अंदर। तो दूध मिलता है गांव के अंदर, इसलिए दूध सागर फॉल कहां हो गया? गांव में हो गया, ठीक है? तो दूध सागर, दूध का सागर कहां मिलेगा भाई? गांव में मिलेगा, गांव में भैंस होती है, इसलिए गोवा हो गया दोस्तों। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला ये किताब है अमीश त्रिपाठी की। तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला अमीश त्रिपाठी की किताब है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सर जी ये डे हमारा 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 दिसंबर को। अपना अपना अनुमान लगाते जाएं दोस्तों। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हरियाणा के अंदर है। कहां पर मिलेगी? हरियाणा के अंदर दोस्तों। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसकी फुल फॉर्म भी जरूर रख लेंगे। निवेश विवादों में निपटान के लिए जो अंतरराष्ट्रीय केंद्र है वह कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है दोस्तों। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, नाम से ही पता है, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ है दोस्तों। विरासत ए खालसा, तो विरासत ए खालसा कहां पर है दोस्तों? ये आप लोगों का पंजाब में है। विरासत ए खालसा कहां पर मिलेगा? ये पंजाब में मिलेगा, आप लोगों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? जल्दी से विरासत ए खालसा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बद्रीनाथ, आप लोगों का जो बद्रीनाथ आप लोगों का दोस्तों है, अगर हम बात करेंगे बहुत बढ़िया। हां जी, आनंदपुर साहिब में ये म्यूजियम है आप लोगों का, ठीक है? बद्रीनाथ जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे? अलकनंदा। क्लियरली आप लोग यहां पे आंसर कर रहे हैं। आपका टेस्ट है, बस टेस्ट देते जाइएगा। सोमशिला डैम, तो दोस्तों सोमशिला डैम कहां पर लोकेट है? सोमशिला डैम कहां पर है? नाम से ही पता लग रहा है, सोमशिला डैम जो है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश है। कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। आंसर करते जाएं, अपने आप को जज कर लेंगे। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है आप लोगों का? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, तो दोस्तों ये आ जाएगा आप लोगों का उड़ीसा में भुवनेश्वर। सप्तक एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, सप्तक एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल ये दोस्तों आप लोगों को मिलेगा गुजरात में। तो सप्तक एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल गुजरात, 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 सभी को ये भी ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चलिएगा। ओ भाई अभिषेक यादव, ठीक है, आप जो है अगर आपको कोई दिक्कत है ना भाई, निकल लो यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है? अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आप मुझे नहीं बताओगे कि बात कम करूंगा या ज्यादा करूंगा, ठीक है? जल्दी से, तो मेरे साथ में जो पढ़ रहे भाई पढ़ते रहिए, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक? तो दोस्तों क्लियर है आप लोगों को? सारी चीजें क्लियर है, बस एक बार लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, ठीक है? मतलब पूरा डिसिप्लिन ना यहाँ पे देखो, पढ़ाई होगी और डिसिप्लिन के साथ में होगी, कोई यहाँ पे मतलब जो है इंस्ट्रक्शंस आप लोग नहीं दोगे, पढ़ोगे सिर्फ, ठीक है? ध्यान से रखिएगा इस बात को, ओके? चलिएगा, ओके। रागनी चौहान, क्वेश्चन ज्यादा है ना, तो इसलिए जो है स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है,
चलिए उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे घोड़े मोदनी, तो जो घोड़े मोदनी है आप लोगों का, अगर मैं घोड़े मोदनी के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो घोड़े मोदनी मिलेगा गोवा में। कहाँ मिलेगा? गोवा में। ठीक है, चलिएगा, आगे होगी समझ में। चलो उसके बाद है अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका पेंटागन। तो दोस्तों जो पेंटागन बिल्डिंग है, सभी लोग जानते हैं पेंटागन बिल्डिंग कहां पर है। तो पेंटागन जो बिल्डिंग है आप लोगों की, वो मेरे दोस्तों आप लोगों को मिलेगी कहां पे? आपको मिलेगी वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन में। बहुत बढ़िया, सही चीजें। तो बस इसी तरह से करते रहिएगा, ठीक है, चलेगा। उसके बाद है दोस्तों यहां पर बुध इंटरनेशनल सर्किट। बुध इंटरनेशनल सर्किट ये कुछ नहीं होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म के लोग आ जाते हैं, ये यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको भी नहीं पढ़ने देते, ठीक है। तो आप सभी लोग पढ़ा करो और ऐसे स्टूडेंट्स को सीधे रिपोर्ट मारा करो। हमें चाहिए क्लियर, हमें चाहिए क्रिस्टल क्लियर, हमें चाहिए डायमंड स्टूडेंट, हमें चाहिए कोहिनूर स्टूडेंट। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोहिनूर स्टूडेंट जो सिलेक्शन दे ले सके, जो सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं इन सब चीजों के जो है सख्त खिलाफ रहता हूँ, ठीक है, चलिएगा। क्लियर हो रही है चीजें सारी? ये सब आपको ना आज के सेशन में इतने क्वेश्चन है, ये सब आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है आप लोग के। बुध अंतरराष्ट्रीय सर्किट कहाँ है दोस्तों? तो बुध अंतरराष्ट्रीय सर्किट आपका नोएडा के अंदर है, नोएडा के अंदर है, नोएडा के अंदर, ठीक है, चलिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। किस शहर को चार जंक्शनों का शहर कहा जाता है? तो सभी लोगों को मालूम है हमारे मदुरई को चार जंक्शनों का शहर जो है आप लोगों का कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच की लाइन पूछ रहे हैं दोस्तों, तो सबसे देखो बी सी डी तो आपको क्लियर है, तो आंसर जो बन जाएगा ए बन जाएगा दोस्तों। बोस्निया और हर्जेगोविना, बोस्निया और हर्जेगोविना इनके बीच की जो सीमांकन लाइन है वो आपकी इंटर एंटिटी बॉर्डर लाइन है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करते जाएं, शेयर करते जाएं, लाइक भी करते जाएं अगर चीजें अच्छी लगें। मैं क्वेश्चन को ना डिस्कस दोस्तों नहीं कर रहा, डिस्कस को क्यों नहीं किस डिस्कस कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 300 है आप लोगों के, और 300 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आपके पहुंच जाएंगे। पशुपतिनाथ मंदिर भारत ने 2.33 करोड़ रुपए दिए थे, बताओ कहां पर मिलेगा? सर जी ये मंदिर मिलेगा हमें कहां पर? नेपाल के अंदर। कहां मिलेगा? नेपाल के अंदर मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद है अगर हम बात करेंगे आप लोगों का, तो राजेंद्र प्रसाद कप कहां पर है? राजेंद्र प्रसाद कप दोस्तों ये आप लोगों, सॉरी किसका है? टेनिस का है, राजेंद्र प्रसाद कप का। भाई मेरे एसएससी की 01 पढ़ना हो तो यार पढ़ लो, बाकी को मत डिस्टर्ब करो, और मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो स्पीड कम की या ज्यादा की मेरे दोस्त, ठीक है, पढ़ते रहिएगा आराम से अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा। आगे चल रहे फटाफट से, हालांकि मैं चाहूं तो इन सबके कमेंट इग्नोर भी कर सकता हूं, लेकिन सिखाना, दुनिया को सुधारना जरूरी है दोस्त, ठीक है। के चंद्रशेखर राव, तो ये जो के चंद्रशेखर राव है हमारे, ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं, ठीक है, तेलंगाना के हैं, याद रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बड़े आराम से पढ़ते रहो दोस्तों। कैपिटल करेंसी पूछ रहा नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल तो दोस्तों वोन है, और साउथ कोरिया की भी वोन है, प्योंगयांग यहां की कैपिटल है, सभी को मालूम पता होगा दोस्तों। मुझे रबत के बारे में, ओस्लो और यारेन के बारे में आप लोगों से जानना है, तो आप मुझे बताओ जल्दी से इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो दोस्तों, गोमेश्वरा टेंपल, तो गोमेश्वरा टेंपल कहां पर है? एक मंदिर का क्वेश्चन डेफिनेटली मान के चल लो, तो गोमेश्वरा टेंपल जो है आप लोगों का वह किस राज्य में है? तो जल्दी से एक बार आंसर करो, आप लोगों का टेस्ट भी हो रहा है, और ये सब चीजें मैं अनअकैडमी के ऐप पे डेली 2 बजे पढ़ाता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेंगे, इसके नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का, 2 बजे प्रॉपर टेस्ट चलता है डेली, ठीक है। तो दोस्तों गोमेश्वर टेंपल कहां पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद है दोस्तों शेखुल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम से ही पता लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा दोस्तों? नाम से ही पता लग रहा होगा, शेखुल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो शेखुल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर में, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, समझ में आ रही है सारी चीजें, चलिएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी गोल्ड कप,
इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये है हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। अभी हमने एक और कप पढ़ा था हॉकी का, नाम बता दो उसका। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है हॉकी है दोस्तों। भारत के किस भाग में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है दोस्तों? सौराष्ट्र क्रिकेट जो एसोसिएशन स्टेडियम है ये मिलेगा आपका गुजरात के अंदर। तो जो सौराष्ट्र वाला मामला है वो गुजरात के अंदर, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, 110,000 की कैपेसिटी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमेरा डैम कहां पर है? तो ये जो चमेरा बांध है ये कहां पर है दोस्तों? ये है हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल में। रेणुका ताल, चंद्रताल है, ये सब वहीं पे मिलती है हिमाचल में। दोस्तों कन्वर लेक कहां पर है? तो कन्वर लेक के बारे में पूछा जाएगा तो बिहार में मिलेगी कन्वर लेक, कन्वर लेक मिलेगी बिहार के अंदर। ओके दोस्तों, तो कन्वर लेक मिलेगी बिहार के अंदर आपको। दोस्तों चंपानेर पावागढ़, कई बार आपको बताया है चंपानेर पावागढ़, तो दोस्तों ये आप लोगों को मिलता है कहां पर? गुजरात के अंदर। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, पुरातत्व पार्क है। ये सब क्वेश्चन आपको हिट करेंगे 10 नंबर में, 40 नंबर के पेपर में। सरिस्का नेशनल पार्क, तो सरिस्का नेशनल पार्क सभी लोग जानते हैं दोस्तों कहां मिलेगा? ये मिलेगा हमारा राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क मिलेगा राजस्थान के अंदर। एक बार ना दोस्त लाइक भी कर दो, 100 होने से पहले 200 लाइक कम से कम, ठीक है? आपकी तरफ से ये हो जाना चाहिए, 200 लाइक कहना ना पड़े, ठीक है? मेरी तरफ से कंटेंट को कहना नहीं पड़ेगा, आपकी तरफ से लाइक को कहना ना पड़े, कर दो एक बार मामला। दोस्तों सर्बिया, सर्बिया पीडीएफ दे दूंगा आपको, बेफिक्र रहो। सर्बिया जो है, सर्बिया, ठीक है, तो सर्बिया की कैपिटल क्या है? ये सर्बिया वही जहां के नोवाक जोकोविक है दोस्तों। तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। क्या है दोस्तों? बेलग्रेड कैपिटल है। ओके चलिएगा, उसके बाद है बेलग्रेड, बेलग्रेड, बेलग्रेड। आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो होम्योपैथी में दोस्तों 10 रुपए में दवाई आ जाती 4 गोली, तो 10 रुपए में 4 गोली, मतलब 10 अप्रैल को होम्योपैथी हो जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों लैंड ऑफ लीची किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ लीची, तो ये जो लैंड ऑफ लीची जो है, अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को देखो ध्यान से समझेंगे, लैंड ऑफ लीची जो है वो मुजफ्फरपुर है। कहां पर है? मुजफ्फरपुर है, याद रख लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेम्बनाड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक है कौन से स्टेट की? तो ये जो वेम्बनाड झील है हमारी, ये कहां मिलेगी दोस्तों? केरल में मिलेगी। कहां मिलेगी? केरल के अंदर मिलेगी, याद रख लीजिएगा। अगला है कांचीपुरम की साड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांचीपुरम की साड़ी तमिलनाडु में कहां मिलेगी दोस्तों? जो कांचीपुरम की साड़ी है वो तमिलनाडु में। डिंडीगुल के ताले भी आपके तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। चाणक्या चंट, दोस्तों चाणक्या चंट एक नॉवल है, इसके राइटर कौन है? अश्विनी संघवी। तो जो अश्विन संघवी सांघी है वो हमारे संघवी भी लिखा आता है, तो ये चाणक्य चंट के राइटर हैं, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, चाणक्य चंट, चाणक्य चंट। दोस्तों नाटी एक डांस है, कहाँ का डांस है नाटी? सभी को मालूम है, कई बार बता रखा है, हिमाचल प्रदेश का। तो नाटी हिमाचल प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों पारुपल्ली कश्यप कौन से गेम से एसोसिएट करती है? थोड़े दिन पहले चर्चाओं में थी, तो पारुपल्ली कश्यप जो है वो बैडमिंटन से एसोसिएट है। किससे है? बैडमिंटन से एसोसिएट है, याद रखेंगे। दोस्तों पट्टाचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो ये पट्टाचित्रा जो स्टाइल की पेंटिंग है, अभी तो बताया था 3 से 4 दिन पहले आपको, ये उड़ीसा से। कहां से? पट्टाचित्रा जो आप लोगों की शैली की पेंटिंग है ये मिलती है दोस्तों उड़ीसा से, याद रखिएगा। 2 बजे की क्लास थी अनअकैडमी के ऐप पे, इसका फोटो भी दिखाया था मैंने आपको। नामेरी टाइगर रिजर्व, सभी को पता है नामेरी टाइगर रिजर्व कहां बनेगा? असम के अंदर बनेगा नामेरी टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेट्रियोट ऑफ इंडिया, तो डेट्रियोट ऑफ इंडिया ये क्या है दोस्तों बताइएगा? इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है? तो जल्दी से बताएंगे डेट्रियोट ऑफ इंडिया, तो जल्दी से बताओगे डेट्रियोट ऑफ इंडिया क्या है? डेट्रियोट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों डेट्रियोट ऑफ इंडिया जो है आप लोगों का चेन्नई है। जैसे हम क्या कहते हैं पेरिस ऑफ इंडिया, इंडिया का पेरिस क्या है? जयपुर है। तो वैसे ही डेट्रियोट एक सिटी है मिसिगम की, डेट्रियोट एक सिटी है मिसिगम की, हम चेन्नई को कहते हैं डेट्रियोट ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों कांदला पोर्ट कहां पर है? तो कांदला पोर्ट आप लोगों को मिलेगा गुजरात के अंदर।
ये जो कांदला पोर्ट है ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा गुजरात के अंदर, इसको याद रख लीजिएगा, कांदला पोर्ट जो है गुजरात के अंदर है। दोस्तों केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है आप लोगों का ये कहां मिलेगा, तो केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सभी को मालूम है, नाम से ही पता लग गया होगा, बेंगलुरु मिलेगा। तो हमारे 100 क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों, जल्दी से 200 लाइक हो जाने चाहिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया ना ईमानदारी से एक बार कर दो, उसके बाद अगले 100 क्वेश्चन के बाद हम फिर रुकेंगे, ठीक है? तो अगले 100 क्वेश्चन फिर आपके सामने आ जाएंगे, एक बार लाइक शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आज 40,000 पूरे करने हैं, क्या करने दोस्तों, आज 40,000 पूरे करने, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए आप लोगों के, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर वेयर कर लो, ठीक है? अच्छी चीज, अच्छा कंटेंट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिएगा 101 नंबर पे चलते हैं, ठीक है? तो 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गारिया पूजा। तो दोस्तों हमने केर पूजा अक्सर पढ़ा है, आज हम पढ़ रहे हैं गारिया पूजा। तो ये जो गारिया पूजा है दोस्तों ये कहाँ की है बता दो एक बार फटाफट से, गारिया पूजा के बारे में थोड़ा सा बता दो, इतना में पानी गिर गया उसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है? तो जल्दी से बता दो गारिया पूजा। तो दोस्तों गारिया पूजा कहाँ की है, आंसर कर देंगे फटाफट से, सभी को मालूम है। तो दोस्तों गारिया पूजा मिलेगी आपकी त्रिपुरा में, केर पूजा गारिया पूजा, केर जो आपका क्या है, गारिया पूजा केर पूजा, ठीक है? याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर पूछ लिए भाई ऑस्ट्रेलिया के, रात दिन के हैं आपका, रात दिन का उठना बैठना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, कौन है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन है, सभी लोग जान ले रहे हैं, ठीक है? कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का माउंट धूपगढ़। तो जो माउंट धूपगढ़ है ये हाईएस्ट पीक है, दो दिन पहले ही पढ़ाई थी करंट अफेयर सुबह 6 बजे, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज के अंदर आती है, बताया था आपको माउंट धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज के अंदर थी, मध्य प्रदेश की थी, दो दिन पहले ही आपको बताई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, किताब का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, जिनकी किताब होपोन है, ठीक है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। दोस्तों कुंदेरमुख नेशनल पार्क, कुंदेरमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में, बनरघट्टा कर्नाटक में है, बंसी जो हमारा अंसी है और बांदीपुर है ये भी कर्नाटक में है। लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों ये मिलेगा उड़ीसा के अंदर, लिंगराज मंदिर। लॉर्ड अयप्पन का मंदिर केरल में है, तो वैसे ही लिंगराज मंदिर उड़ीसा में आपको मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जो यूनेस्को की साइट्स है, जो यूनेस्को है उसी के बारे में बात कर रहा है। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां, पेरिस में, तो इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में होगा दोस्तों। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इसका दिन मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को इनका दिन मनाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे, चलिएगा। उसके बाद है अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड के गवर्नर। दोस्तों जब नागालैंड का, जब आप नाग देखोगे तो रन कर जाना, रन मतलब भाग जाना, तो इसलिए आरएन रवि हो गए हैं। कौन हो गए, आरएन रवि, नागालैंड के गवर्नर। गंगा प्रसाद, दोस्तों ये गंगा प्रसाद सिक्किम, और विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश, जगदीश मुखी असम, चलिएगा। लख भौसी वर्ल्ड सेंचुरी, तो लख भौसी वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर मिलेगी दोस्तों आप लोग को, उत्तर प्रदेश के अंदर। लख भौसी वर्ल्ड सेंचुरी कहां मिलेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगी, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिएगा लाइक वाइक कर दो, चलिएगा, ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, आज ना आप लिख लो कहीं पेपर पे, मेरा नाम लिख लेना, इनमें से ये क्वेश्चन स्टैटिक जी के बाहर नहीं जाता है जितना भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत स्टडी करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं, बहुत स्टडी करके ये क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, तब जाकर के ये चीजें मिल रही हैं। जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नहावा सेवा पोर्ट है दोस्तों, वह कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, सोलियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो सोलियार डैम जो है आप लोगों का कहां पर मिलेगा, तमिलनाडु में। तो सोलियार जो है वो तमिलनाडु, सोलियार तमिलनाडु, सोलियार तमिलनाडु है, मार्क कर लेंगे दोस्तों। निजामाबाद इन तेलंगाना, निजामाबाद इन तेलंगाना कौन सी नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है निजामाबाद इन तेलंगाना, गोदावरी। और जो हमारा हैदराबाद है वह आपका मूसी नदी के किनारे है। तरंगा मेल डांस, तो तरंगा मेल डांस जो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला लोक नृत्यों में एक है,
तरंगा मेल डांस दोस्तों ये मिलेगा गोवा में। क्या है गोवा में, जब गोवा जाने की बात होती है तो आपके दिमाग में आपके माइंड में एक अलग सी ही तरंग उठ जाती है, ठीक है। तो तरंगा मेल डांस जो है वो गोवा के अंदर है। दोस्तों पंडित शंकर घोष कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं, पंडित शंकर घोष कौन, पंडित शंकर घोष, तो पंडित शंकर घोष का नाम आ जाएगा तबला तबला तबला, पंडित शंकर घोष PSG। दोस्तों क्या है, तबला तबला तबला, याद रखिएगा, मैं खुद रिपीट करवा दूंगा, खुद इनको याद करवा दूंगा, सुनते जाओ बस आप। बाराबती स्टेडियम कहां पर है, तो बाराबती स्टेडियम आपका उड़ीसा, बाराबती स्टेडियम है उड़ीसा। दोस्तों इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम, भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम थोड़े दिन पहले रामनाथ कोविंद जी ने किया था इनोग्रेट, नई दिल्ली, भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम नई दिल्ली, दूसरा मुंबई है, लेकिन पहला पूछा है तो नई दिल्ली लगा देंगे, दूसरा खुद ब खुद मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेंट ऑफ गटर्स, दोस्तों सेंट ऑफ गटर्स किसको कहा जाता है, दोस्तों मदर टेरेसा को, सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता है मदर टेरेसा को। कैपिटल करेंसी लिथुनिया, दोस्तों लिथुनिया की कैपिटल करेंसी बता दो जल्दी से, विल्निस विल्निस विल्निस, क्या है विल्निस 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 है यार जी। दोस्तों लातविया की क्या है, लातविया की जल्दी से बता दो, लातविया की क्या है, लातविया की क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछेंगे लातविया की है रीगा, तीसरे नंबर पर है, लातविया की क्या है रीगा मेरे दोस्तों। मासेरू किसकी है, मासेरू, तो मासेरू वो संजय दत्त की मूवी नहीं आई थी आप लोगों की एक, ठीक है, जो अगर हम बात करेंगे जो आप लोगों की संजय दत्त की मूवी थी कौन सी, लोसोतो, जो ऑल द बेस्ट पता नहीं कौन सी थी, जल्दी से बता दीजिएगा। तो मासेरू किसकी है, लुसोटो, लुसोटो की मासेरू है, रीगा लातविया, बमाको माली, बमाको माली। अगला क्वेश्चन है बघई जो बोटेनिकल गार्डन है ये कहां पर है, तो बघई बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, बघई बोटेनिकल गार्डन गुजरात के अंदर मिलेगा। कॉर्नोड सगमा कहां के मुख्यमंत्री हैं, कॉर्नोड सगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, सभी को मालूम है। कुल्लू नाटी डांस सभी को मालूम है, कुल्लू नाटी हो या नाटी हो हिमाचल प्रदेश जाएगा दोस्तों, कुल्लू मनाली कुल्लू नाटी डांस हिमाचल प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया यूके कहीं दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही दोस्तों, सी नंबर पे बैठी हुई है, जो आपकी गवर्नर है कहाँ की है ये हमारी छत्तीसगढ़ की है, क्लियर कर दो, समझ में आ रही है चीजें, बस रिप्लाई करते जाओ, ठीक है, अपने आप से कुछ ना कुछ बताते जाओ दोस्तों जल्दी से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इससे आसान क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है, लेकिन पेपर में तो ये भी पूछ लेंगे, तो दोस्तों ये मिलेगा मुंबई में, ओके चलिएगा। दोस्तों सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, ये मिलेगा आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, याद रखिएगा 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां पर है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां है, राजस्थान केरल उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर, बता दीजिएगा जल्दी से, ठीक है आंसर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्त मैं आपको ना दृढ़ बनाना चाह रहा था, बहुत अच्छा मुझे लगा आप लोगों का आज देख करके, आज आप लोग ना अपनी परीक्षा में पास हो गए। अपनी परीक्षा में कैसे पास हो गए, जैसे होते हैं ना गुरु होते हैं तो बीच में किसी चीज के लिए लालच देते हैं, तो आज मैंने 2 से 3 बार आपको लालच दिया पीडीएफ का, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट थे वो उन्होंने कहा कि पीडीएफ एक बीमारी है, बहुत बढ़िया, तो पीडीएफ नहीं दे रहा मैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप लोगों का रिस्पॉन्स कि नहीं चाहिए सर पीडीएफ नहीं चाहिए हमें, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों अपने हाथ से जो चीज़ आप लिख लोगे ना, जो मेहनत अपने हाथ से कर लोगे, वो आपकी कभी मिटने वाली नहीं है, आपको जितने भी एग्जाम दिए जाओगे सब में आपकी काम आई जाएगी, और पीडीएफ ले लोगे पीडीएफ के चक्कर में पड़ जाओगे तो दिक्कत होनी लाजमी है, ठीक है चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बरकतुल्ला खान पढ़ लिया, राजस्थान के अंदर है उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है चलिएगा, आगे चलते फटाफट से अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। मायानी वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है, तो मायानी वर्ल्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है, मायानी महाराष्ट्र में है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है चलिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ठीक है चलिएगा। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बाल फक्रम जो नेशनल पार्क है कहां पर है, मेघालय के अंदर है बाल फक्रम नेशनल पार्क। दोस्तों रायचूर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एक रायचूर है एक रायगंज है, तो दोस्तों रायचूर कर्नाटक में है और रायगंज जो है वेस्ट बंगाल में है, रायगंज वेस्ट बंगाल में, वो सेंचुरी है हमारी वर्ल्ड सेंचुरी, और रायचूर जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कर्नाटक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा वैद्य रत्नम आयुर्वेदा म्यूजियम,
वैद्य रत्नम आयुर्वेदा जो म्यूजियम है दोस्तों, ये भारत के किस भाग में स्थित है? तो वैद्य रत्नम जो आयुर्वेदा म्यूजियम है ये दोस्तों हमारा केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। रोजर फेडरर कौन से गेम से हैं? रोजर फेडरर टेनिस से हैं। एक एक बार सुन लोगे ना कानों में बात पड़ती जाएगी दोस्तों। खोरिया डांस कहाँ का है? तो खोरिया डांस जो है वो हरियाणा का है। कहाँ का है? खोरिया। तो खोरिया जो नृत्य है वह हरियाणा का, जैसे धप हरियाणा का है वैसी खोरिया हरियाणा का है। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ये किसकी बायोग्राफी है? ये आपके राम कमल मुखर्जी, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल राम कमल मुखर्जी, और ये बायोग्राफी किसकी है? हेमा मालिनी की बायोग्राफी राम कमल मुखर्जी ने लिखी थी। भारकोट एयरपोर्ट कहाँ का है? तो भारकोट एयरपोर्ट जो है ये उत्तराखंड का है, सभी को मालूम होना चाहिए। नेशनल गेम ऑफ इटली, इटली का राष्ट्रीय गेम क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा, इटली का राष्ट्रीय गेम मिलेगा फुटबॉल। क्या है दोस्तों? फुटबॉल याद रखेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच की है? भारत और चाइना के बीच की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिमहाद्री सुपर पावर स्टेशन, तीसरी बार आया क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश है दोस्तों। बॉबले अवार्ड एग्रीकल्चर में दिया जाता है, बॉबले अवार्ड एग्रीकल्चर में दिया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 7 दिसंबर 1944 को मॉन्ट्रियल कनाडा में बना था। स्पीड अगर मेरी ठीक है तो एक बार थम्सअप ऐसे करके दिखा दो, ठीक है, थम्सअप दिखा दो अगर स्पीड सही है तो, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, जल्दी से स्पीड मेरी सही है तो। ये एक रिवीजन करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करंट अफेयर सुबह 6 बजे आता है, उसमें पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो लाइक वाइक कर दो एक बार और सब्सक्राइब कर दो आज चैनल को, 40K दिख जाना चाहिए, 40K आज दिख जाना चाहिए, ठीक है, आप लोगों के साथ साथ 10-20 की कमी होगी 40K में, ठीक है। बहुत स्पीड है सर, ठीक है, तो 40K आज हो जाना चाहिए, ठीक। डेली डिटेल भी पढ़ाता हूं आपको लेकिन आज होली है दोस्तों। गोल्डन फाइबर क्रांति पता होगा सभी को, किससे है दोस्तों? जूट प्रोडक्शन से, जूट उत्पादन से। अच्छा थोड़ा स्लो कर लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो थोड़ा सा स्लो पे आ जाते हैं। जूट फाइबर रेवोल्यूशन, जो जूट प्रोडक्शन है ये कहां पर है दोस्तों? गोल्डन फाइबर दोस्तों। जॉर्जिया की कैपिटल, आज सुबह ही बताई थी जॉर्जिया की कैपिटल, बताओ क्या है इसमें, मैं बता दूं? चलिएगा, जॉर्जिया की कैपिटल है दोस्तों क्या, बस मैंने लगा दिया देखो निशान, ठीक है। तो आप लोगों की क्या है जॉर्जिया की कैपिटल, जल्दी बताओ, जॉर्जिया की कैपिटल बता दो जल्दी से, सुबह के सेशन में तो बताई थी आपको। फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो जॉर्जिया की कैपिटल जो है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा, ये इसमें ना प्लेट में पता नहीं लगता, इस प्लेट में निशान कहां लगा रहे। तो जॉर्जिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? ये नहीं, जॉर्जिया की कैपिटल है आपकी ये रही, ठीक है, चलिएगा सभी को मालूम है। बाकी भी बता दो किस किस की है, कल क्लास होगा सुबह 6 बजे, बोमैको बतानी है। तो दोस्तों ये जो बोमैको है, बोमैको ये है, बोमैको जो है दोस्तों ये किसकी है? माली की। कायरा किसकी है? कायरा किसकी है? इजिप्ट की, ठीक है, कायरा किसकी है? इजिप्ट की, ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से, बहुत बढ़िया, सही है, स्पीड सही है, सही, बहुत बढ़िया। और दोस्तों नीचे तिबिलिसी जॉर्जिया की। तलिन किसकी है? तलिन बताए किसकी है? एक काजा कलश बनी है प्रधानमंत्री एस्टोनिया की, उसकी है। वाटसन म्यूजियम कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। वाटसन म्यूजियम मतलब कहां पे वाटसन म्यूजियम? तो वाटसन संग्रहालय मिलेगा गुजरात में, वाटसन संग्रहालय मिलेगा गुजरात के अंदर, कभी ऑस्ट्रेलिया लगा दो, वाटसन जो है गुजरात के अंदर है दोस्तों। डूरंड लाइन जो है आपकी, डूरंड लाइन, तो इससे आसान कुछ होगा आप लोगों के लिए? डूरंड लाइन देखो एक ही ऑप्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो डूरंड लाइन का है, ये है ऊपर सी ऑप्शन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, अफगानिस्तान और आप लोगों का पाकिस्तान, डूरंड लाइन। अच्छा भारत पाकिस्तान के साथ में 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, भारत पाकिस्तान के साथ में 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। आइजन हावर ट्रॉफी, तो जो आइजन हावर ट्रॉफी है ये किससे है? बस इतना लिखना है आइजन हावर ट्रॉफी,
आइजन हॉवर ट्रॉफी किससे है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से। ये मिलेगी गोल्फ से, जैसे वॉकर ट्रॉफी है वैसे ये ट्रॉफी भी आपकी इससे है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहां पर है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन के अंदर है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन के अंदर है। थोड़ा सा तेज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन 300 है दोस्तों, ठीक है। श्रीमती आनंदी बेन पटेल करंट में गवर्नर है उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का राजकिरण राइस के हेड हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दो बैंक मर्ज हुए थे, बता दो कौन कौन से हुए थे, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक। जम्मू कश्मीर का स्टेट ट्री क्या है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर का है चिन्नार ट्री। जो चिन्नार का पेड़ है वो जम्मू कश्मीर का पेड़ है, याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर चिन्नार, जम्मू कश्मीर चिन्नार। व्हेन इज द इंटरनेशनल माउंटेन डे? बताया था इंटरनेशनल माउंटेन डे, जिस दिन आपका यूनिसेफ का डे मनाया जाता है उसी दिन माउंटेन मनाया जाता है, पता होगा 11 दिसंबर को, ओके। हागिया सोफिया जो आप लोगों का कहां पर था, जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों, कहां पर? टर्की इस्तांबुल, टर्की इस्तांबुल, याद होगा, ठीक है, चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सारी चीजें क्लियर है तो एक बार लाइक शेयर करते रहिएगा सभी मेरे साथी सारी चीजों को। दोस्तों वेयर इन इंडिया डी वाई पाटिल स्टेडियम सुबह करंट अफेयर की मैराथन क्लास होगी, सुबह करंट अफेयर की मैराथन क्लास होगी 6 बजे। तो डी वाई पाटिल स्टेडियम जो है आपका कहां पर स्थित है? तो डी वाई पाटिल स्टेडियम आपका जो है महाराष्ट्र में है। सुबह 6 बजे लाइक शेयर कर दो, करंट अफेयर की मैराथन क्लास होगी। जो करंट अफेयर के ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है कुछ उनको कराऊंगा। सुपर डैम कहां पर है दोस्तों? तो सुपर डैम मिलेगा कर्नाटक में। कहां पे मिलेगा? कर्नाटक में। शेयर कर दो सब लोग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। आज 40,000 करने मुझे यहीं पर आप लोगों के साथ में 40,000 देखने हैं, ठीक है। अभी 39.9 है, इसको 40,000 में कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है, चलिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा गोमुरा नेशनल पार्क। तो गोमुरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, जहां पे इलेक्शन चल रहे हैं, 294 सीटें हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। दोस्तों करेंसी ऑफ लाओस, लाओस की करेंसी क्या है आप लोगों की? किप किप किप। तो लाओस की कैपिटल भी बता दो एक बार, लाओस की कैपिटल। सुबह भी क्लास है आप लोगों की दोस्तों, ठीक है, तो सुबह भी आप लोगों की क्लास है, याद रखेंगे। लाओस तो एशियन कंट्री है दोस्तों, लाओस की बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, इतनी बार बताया। जो हमारा लाओस है वो पता है किस में आता है? आसियान देशों में आता है लाओस, और वियंतियाने इसकी कैपिटल है, वियंतियाने। दोस्तों रोलेक्स सकीर ग्रैंड प्रिक्स, रोलेक्स सकीर ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाला कौन था? सर्जियो पेरेज, सर्जियो पेरेज। रोलेक्स सकीर ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाला कौन था, ये आप लोगों का दोस्तों क्या था? सर्जियो पेरेज। हाँ विकास केसरी, टॉपिक पे क्लास 12 बजे शुरू होगी 5 तारीख से। दोस्तों महादई रिवर ऑरिजिनेट इन विच स्टेट? तो महादई नदी जो है वो किस राज्य से निकलती है? तो महादई जो नदी है दोस्तों ये निकलती है कर्नाटक से, महादई रिवर। चप चारकुट बैम्बो की कटाई के बाद का महोत्सव है दोस्तों मिजोरम का, और बैम्बो डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। बैम्बो होता है बांस। दोस्तों खपरवास वर्ल्ड सेंचुरी, खपरवास वर्ल्ड सेंचुरी हरियाणा, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा, सभी को मालूम होगा। अगला है अमान, अमान अम्मा जोर डाल की बात करती है, तो जोर्डन कहां पर है? जोर्डन, कहीं है जोर्डन? ये रहा जोर्डन, ये रहा, निशाना सही नहीं लग रहा, जोर्डन। इक्वाडोर की कैपिटल बता दो, क्यूटो। इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। नामीबिया की कैपिटल बता दो, विंड हॉक। क्या है? विंड हॉक। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको है, सबको मालूम है। दोस्तों हीराकुंड डैम उड़ीसा महानदी रिवर पर। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी से बता दो फटाफट से, ठीक है। तो कन्नौर मेरे दोस्तों, मेरी जो YouTube पर टाइमिंग है दोस्तों, YouTube के ऊपर टाइमिंग सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 12 बजे स्टैटिक जीके, और रात को 8 बजे ग्रुप डी। ये 5 तारीख से प्रॉपर चल पड़ेगा, 5 अप्रैल से, अब से दोस्तों 5 अप्रैल से ये प्रॉपर चल पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए। उसके बाद है दोस्तों वेयर इन इंडिया मोलम नेशनल पार्क। तो मोलम नेशनल पार्क, कंफ्यूज मत होना, मोलम गोवा में है और मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, चलिएगा। दोस्तों सिपत थर्मल पावर स्टेशन, सिपत थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ है, जहां पे कोरबा वहां पे
जो आपको सिपत, ठीक है। अगला काकड़ापार एटॉमिक, तो काकड़ापार कहां मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। कुदानकुलन कल्पक्कम तमिलनाडु मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा मिलेगा, भुवनेश्वर, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहां पर है, तो एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में। एंथ्रोपोलॉजी जो आपका एंथ्रोपोलॉजी मेरे दोस्तों पुरातत्व मानव विज्ञान से रिलेट करता है, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बूज़िए, तो आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बूज़िए चंडीगढ़, दोस्तों चंडीगढ़ फ्रांस के रहने वाले थे, चंडीगढ़ को डिजाइन इन्होंने तो किया था, और दिल्ली को डिजाइन लुटियंस ने किया था, सभी को मालूम है। लाइक वाइक कर दो एक बार फटाफट से दोस्तों। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड, तो कैपिटल करेंसी पोलैंड की क्या होगी, वॉर्सा जलोटी, सी ऑप्शन, वॉर्सा जलोटी, ठीक है चलेगा, वॉर्सा जलोटी है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक ट्रीटी, नाटो, ये जो नाटो है आप लोगों का, तो इस नाटो का जो है 30 मेंबर है नाटो के, 4 अप्रैल 1949 को बना था, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है चलिएगा। गुडावी वर्ल्ड सेंचुरी, तो गुडवी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, ये मिलेगा आपको कर्नाटक के अंदर, याद रखेंगे। डोमकच एक फोक डांस है, तो डोमकच जो फोक डांस है दोस्तों ये कहाँ का है, बिहार का है। तो जाट जाटिन हो गया, विदेशिया हो गया, डोमकच हो गया, ये सब कहाँ मिलते हैं दोस्तों, ये सब आपके बिहार में मिलते हैं, ठीक है। 5 तारीख से डिजिटल बोर्ड पे वापस आ जाऊंगा, अभी मैं छुट्टी पर चल रहा हूँ, तो इसलिए क्लासें घर से ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा था कि आपकी मैं छुट्टी पर रहता तो आपका टाइम ये खराब हो जाता, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो है छुट्टी पर हूँ, तो इसलिए मैं जो डिजिटल बोर्ड है वहां से क्लास नहीं ले रहा, 5 तारीख से आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लास मिल जाएंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और चैनल को 40,000 का आज हो जाना चाहिए, देखो भाई, ठीक है ठीक है, चलेगा। अभी 39.9 ही है, तो नए साथियों को शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। अन्नामुड़ी, तो दोस्तों अन्नामुड़ी कहाँ का है, केरल का है, अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नामुड़ी केरल का है दोस्तों। गुलाब बाग लार्जेस्ट गार्डन है कौन से राज्य का, तो गुलाब बाग जो है राजस्थान का है दोस्तों, राजस्थान का गुलाब बाग है, क्या है, गुलाब बाग राजस्थान का है, याद रखिएगा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया काइट म्यूजियम सिचुएटेड, पतंग संग्रहालय कहां पर है दोस्तों, तो पतंग संग्रहालय आप लोगों का गुजरात में है, सभी को मालूम होना चाहिए, चलिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से, मिंसक कहां की है, तो मिंसक दोस्तों कंबोडिया की नहीं है, जिबूटी की नहीं है, गैबोन की नहीं है, बेलारूस की है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, बहुत अच्छा प्रश्न है, मार्क कर लो इसको, ठीक है, एसएससी में आया था, मैंने पढ़ाया था और उस तभी आया था, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ मिलेगा, काठमांडू में, ठीक है। तो साउथ एशियन जो आप लोगों का वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क है, जैसे सार्क है, उसी के मेंबर है इसमें भी, काठमांडू दोस्तों। हु इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, तो फाइबर ऑप्टिक्स के जो फादर है उनको पद्म विभूषण मिला है 2021 वाला, ठीक है, और यूएसए के रहने वाले इंडिया के थे, नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है, याद रखेंगे, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी से आप लोगों के बीच में, ठीक है, यहां पर आप लोगों का दोस्तों क्या है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कहीं पर 18 दिसंबर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, तो माइनॉरिटी राइट्स डे भारत के अंदर आप लोगों का कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को, कब है, 18 दिसंबर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मालेगांव सिटी इन महाराष्ट्र लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो जो मालेगांव शहर है वह कौन से नदी के किनारे पर है, तो सबको मालूम है गिरना नदी, मालेगांव गिरना नदी के किनारे पर है, याद रख लेंगे, ठीक है चलिएगा। सारी चीजों के बारे में क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, तो जयराम ठाकुर जो चीफ मिनिस्टर है वो हिमाचल प्रदेश के हैं, कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, बहुत बढ़िया। कमेंट आपके कम हो गए, फास्ट नहीं जा रहा होगा, ठीक है चलिएगा। भारत में कॉमेट पर्वत शिखर कहाँ पर है, तो कॉमेट पर्वत शिखर जो है दोस्तों वो आप लोगों को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, जो कॉमेट पर्वत शिखर है वह मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये मेरे दोस्तों एक बायोग्राफी है, तो द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये एक जीवनी है, किसकी जीवनी है बता सकते हो, पुलेला गोपी चंद की, तो पुलेला गोपी चंद की जीवनी है दोस्तों ये, ठीक है। कमेंट डिले पड़ गए आप लोगों के,
दोस्तों भारत के किस राज्य में संघई महोत्सव, तो जो संघई महोत्सव है ये किस में मनाया जाता है, ये संघई महोत्सव मनाया जाता है आप लोगों का मणिपुर के अंदर। अच्छा, करंट अफेयर प्रीमियर लीग कब से शुरू हो रही है, करंट अफेयर प्रीमियर लीग कब से शुरू हो रही है मालूम है आपको? अच्छा काजल जी, ठीक है, करंट अफेयर प्रीमियर लीग कब से शुरू हो रही है बताओ। तो करंट अफेयर प्रीमियर लीग 5 अप्रैल से, कब से दोस्तों, 5 अप्रैल से, ठीक है, कब तक, 20 दिन चलेगी, तो 24 अप्रैल तक। करंट अफेयर प्रीमियर लीग 5 अप्रैल से 24 अप्रैल, डेली रात को कितने बजे दोस्तों, डेली रात को 8 बजे आप लोगों की ये चलेगी, जिसके अंदर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के सारा करंट अफेयर, सारा मतलब सारा, सारा मतलब सब कुछ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो करंट अफेयर आपको कराया जाएगा। और जैसे कि एड नहीं, अगर एड बनाना हो तो कैसे करेंगे, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, ऐसे बोलेंगे ना, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार करंट अफेयर लीग आप लोगों के लिए आ रही है, सारा मतलब सारा, पेपर कोई भी हो करंट अफेयर हमारा होगा यहां पर सारा चलिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो पूरे 12 महीने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अप्रैल से लेकर के मार्च तक आप लोग का पूरा करा दिया जाएगा 12 महीने का। 21 अप्रैल को मेरा CHSL एग्जाम है देवेंद्र जी, बस करते जाना, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है, और बना देना, ठीक है। करंट अफेयर प्रीमियर लीग चलिएगा, करंट अफेयर हम इसका नाम चेंज करते हैं, हम इसका नाम करते हैं करंट अफेयर MCQ लीग, करंट अफेयर MCQ लीग, ठीक है चलिएगा। दोस्तों यहां पर क्या है, नोरा देही वन्य जीव अभयारण्य, तो ये तो आपको पता होगा, नोरा फतेही जो खानवान नाम है उनका, मुझे तो नाम भी नहीं पूरा जानता, वो कहाँ की है वो तो आपको पता होगा, लेकिन नोरा देही के बारे में भी पता रखो, क्योंकि एक नंबर यही दिलाएगा, नोरा फतेह जो खानवान अली खान है वो नहीं दिलाएंगी, याद रखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में नोरा फतेही वर्ल्ड सेंचुरी, याद रखिएगा दोस्तों। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर भैया सभी लोग जानते हैं कौन सी, वो चाइना वाली यांगचे नदी, कौन सी, यांगचे नदी, येलो तो दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझेंगे, ओके चलिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों को बर्थडे गिफ्ट है, तो मेरी तरफ से मेरा जो बर्थडे आएगा उसका गिफ्ट आप लोगों को दिया गया, पूरा करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बना देंगे दोस्तों। बी साई प्रणीत इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है, तो साई प्रणीत किससे है दोस्तों, बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से, क्लियर है चलिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो मैंने तो टूरिज्म को आपको कितना अच्छा तरीके से मैंने टूरिज्म बताया था, याद है टूरिज्म कैसे बताया था, चलो 300 कर देना, मैंने आपको बताया था, पुरानों को पता होगा, नए को मैं बता देता हूं दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, अगर मैं यहां पे बात करूं, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है हार्ट, अगर इसको बना दो तो ऐसे बन जाता है, ये है हार्ट, ठीक है। ये कब टूटता है, ये कब टूटता है, ठीक है, जब दो नो में से कोई एक ना कर दे, मतलब दो लोग हैं, 14 फरवरी का टाइम है, कोई एक ना कर दे तो हार्ट टूट जाता है, तो दो नो में से कोई एक ना कर दे तो क्या हो जाएगा, हार्ट टूट जाएगा, अर्थात इस दिन वर्ल्ड हार्ट डे होता है, क्या होता है, वर्ल्ड हार्ट डे होता है, दोनों में से एक ने ना कर दी, हार्ट जो है टूट गया, लेकिन बंदा फिर भी हौसला नहीं हारता, और वो अगले दिन तक, अगला दिन हो गया 30 सितंबर का, अगले दिन तक समझाता रहता है बातों को, अलग अलग भाषा में, देख ले मान ले, सुन जा मान जा देख ले, ऐसे कर करके, तो ये होता है ट्रांसलेशन, क्या होता है, ट्रांसलेशन डे, तो अगले दिन हम मनाते हैं ट्रांसलेशन डे 30 को, तो बहुत मना माना मनाना चलता है। लेकिन दोस्तों ये दिल टूटने टूटाने वाली चीजें कौन करता है, जिसको काटा हो पागल कुत्ते ने, तो मतलब ये हो गया रेबीज डे, एक दिन पहले क्या होगा, रेबीज डे होगा, क्या होगा, रेबीज डे होगा, ठीक है। अब कुत्ता तो तभी काटेगा ना दोस्तों जब घूमने के लिए बंदा जाएगा, ठीक है, तो घूमने के लिए बंदा गया मतलब टूर पे गया था,
तो ये हो गया टूरिज्म, और वर्ल्ड टूरिज्म डे जो होता है वो 27 सितंबर को होता है। कहानी इसी की थी सारी, इसी के पीछे हमने सब कुछ कर दिया। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर सभी को मालूम होगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन तसल्ली से पढ़ने वाली चीजें होती हैं, तो इनको कर लेंगे, याद रखिएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये मेरे साथियों ने, पुराने वालों ने पढ़ ली थी, नए जवाब जुड़े हैं उनको मैंने बता दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम करते रहते हैं। चलो आगे चले फटाफट से दोस्तों। बैटल ऑफ द ओरेंज, मतलब देखो इसको ऐसे मत कह देना कि बैटल ऑफ द ऑरेंज फेस्टिवल नाम है, संतरों का बैटल। तो दोस्तों संतरों का बैटल कहां पर है? इटली। क्या है? इटली। ये क्या है दोस्तों? इटली। तो बैटल ऑफ ऑरेंज जो है, संतरों का जो ऑरेंज है वो क्या है? इटली, 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 याद है, चलिएगा। उसके बाद है दोस्तों, इन विच इंडियन स्टेट सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों सरिस्का कहां पर मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, याद रख लीजिएगा। लाइक वाइक कर दो, 300 हो जाने चाहिए थे, अब तक 300 करे नहीं आप लोगों ने, चलिएगा। उसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। तो जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, ये कोरल रीफ है हमारी, ठीक है। पानी के अंदर आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी एक बार सुबह जब पढ़ा रहा था, सुबह वाला सेशन 6 बजे वाला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जैसे कोवर्क पेनिनसुला है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों, ये किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल, 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 तो संतोष फुटबॉल का है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो IMD है उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मलाबो कहाँ की कैपिटल है? तो दोस्तों मलाबो जो है आप लोगों की, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से, मलाबो, 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 चीजें क्लियर है? चुड़ैल की मौसी भी आ गई है, क्या बात है दोस्तों, होली जला वला के आ गई होंगी जो है आपकी चुड़ैल की मौसी। जल्दी से बता दो मलाबो कहाँ की कैपिटल? अच्छा सामने ही लिखा हुआ है, ये तो सामने आ गया आंसर आपके, प्रकट हो गया। इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है मलाबो, ठीक है, जल्दी से। अच्छा मैसेडोनिया की क्या है बता दो एक बार जल्दी से, आपके कमेंटमेंट पढ़ लूं मैं आप लोगों के, जरा क्या क्या कह कुहा रहे हो आप लोग, ठीक है, तो जल्दी से बता दो फटाफट से सारी चीजें। नहीं बताओगे? कुछ कह रहे हैं नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पता है आपको मैसेडोनिया की? पता है मैसेडोनिया की? गिनी नहीं है भाई, गिनी नहीं है मैसेडोनिया की। हैप्पी होली, हैप्पी होली, बच्चे कह रहे हैं मौसी आई, मौसी आई, जैसे बच्चों की मौसी आ गई ना, तो मौसी आई, मौसी आई। तो दोस्तों ये क्या है? स्कोपजे, स्कोपजे, ठीक, क्या है? स्कोपजे। गिनी विनी नहीं है भाई, लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, आज 40 के दिख जाना चाहिए देखो, ठीक है, अभी 39 ही दिख रहा है आपका, 39.9। हुडो, हुडो, हुडो फोक डांस है दोस्तों, हुडो, कहाँ का हुडो है? हुडो है, हुडो, चलिएगा। हुडो नहीं पता था, गुजरात का, तो गुजरात वाले आजकल क्या खेल रहे हैं? लूडो, लूडो, ठीक है, इसलिए हुडो, हुडो, ठीक है, चलिएगा, चलिएगा, हुडो, हुडो, गुजरात का है। कमेंट भी तो पढ़ने, बिना कमेंट पढ़े ना क्लास पूरी नहीं लगती। गुरु गोविंद सिंह दौ खड़े काके लागे पाए। अच्छा ये दोस्तों क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम का, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहां पर है? सभी को मालूम होगा दोस्तों, कहां पे मिलेगा? नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 5 नवंबर आ जाएगा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ठीक है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये कहाँ मिलेगा दोस्तों आपको? ये मिलेगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है, पता है आपको। बरगी डैम मैंने कई बार पढ़ाया है बरगी, ठीक है, तो जल्दी से, तो आनंदी बरगी ना कोई, तो बरगी डैम जो है आपका कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, ठीक है, चलिएगा। और दोस्तों निजामाबाद तेलंगाना की सिटी है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, गोदावरी हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? गोदावरी। तो 200 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हैं, इति श्री रेवा पुराण खंडे, ठीक है, द्वितीय अध्याय समाप्त, ठीक है। तो जल्दी से बता दो बाकी सारी सारी चीजें, इति श्री रेवा पुराण खंडे, ठीक है, द्वितीय अध्याय समाप्त, बोलो सरस्वती माता की जय, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब अगले 100 क्वेश्चन पे चलेंगे। सितारों के जहां में पीडीएफ मिलेगा हमारा, यूट्यूब एक चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम, यूट्यूब, सो यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा ये वाला, लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम्स एक चैनल है आप लोगों का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर मिलती रहती है चीजें आपको, पूरा शेड्यूल मेरा पता लग जाएगा। चलिए थम्स अप दिखाओ, शुरू कर देते हैं एक बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है दोस्तों। अनूप श्रीधर किस गेम से रिलेट करते हैं? तो ये है अनूप श्रीधर, ये बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। कौंडिल्या वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है? तो कौंडिल्या वर्ल्ड सेंचुरी आपको जो मिलेगी दोस्तों, वह मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय आपका कहां पे मिलेगा? नैरोबी केन्या के अंदर मिलेगा। दोस्तों सीरिया की कैपिटल क्या है? तो सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, सभी को मालूम है दोस्तों। एग सिटी किसको कहा जाता है? नमक डाल लो, नमक्कल को कहा जाता है दोस्तों। मोहोमोल वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिवल कहां का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो मोहोमोल जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश का है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड, 1936 में नाम चेंज हुआ था हेली नेशनल पार्क से। कोनार डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो कोनार जो है वो कौन सी नदी पर है आप लोगों का दोस्तों, मतलब जो है कौन से पार्ट में है, सॉरी, कोनार डैम जो है आप लोगों का वो झारखंड में कोनार पर ही है दोस्तों। कोटा कौन सी नदी के किनारे है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे पर है। फोर्ट मैदान कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा करेला का में, मतलब केरला में। फोर्ट मैदान केरल में, केरल में हमारी जो सीटें हैं 140 सीटें हैं विधानसभा की। राजाजी नेशनल पार्क आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। सांची स्तूपा कहां मिलेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में मिलेगा। हम्पी कर्नाटक में मिलेगा, आपको याद रखना है दोस्तों। वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी घुमाया था सारा का सारा, 27 सितंबर है आप लोगों का दोस्तों। जूडे फ्लिक्स एक इंडियन प्लेयर है मेरे दोस्तों, ये हॉकी से रिलेट, इसीलिए तो जल्दी कर रहा था, बफरिंग होगी ना, बफरिंग ये फिर होगी, ठीक है, ये फिर होगी, थोड़ा सा फास्ट कर लें ये दोस्तों, फिर होगी, थोड़ा सा फास्ट कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम ना होली वोली खेल रहे हैं, और होली में ना तार तोड़ दिया था, वो भी जुड़वाया था कल। तो थोड़ा सा फास्ट कर लें, ठीक है, गांव में तो ऐसे रहता ना यार दोस्त। सभी लोग जान रहे हैं। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कहां पर है? यह हमारा नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहां है? दिलवाड़ा किसका जो राज करता है? तो राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है। लाइक वाइक कर दो, लाइक थोड़े कम होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कई बार। बगलीहारी जो डैम है वो जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों चिन्नाब के ऊपर है। तो जो बगलीहार है हमारा, बगलीहार बांध है, यह कहां पर है? चिन्नाब नदी के ऊपर है। तिपानी एक फोक डांस है दोस्तों, तो तिपानी जो है किस राज्य का फोक डांस है दोस्तों? तो तिपानी आप लोगों का गुजरात का फोक डांस है। किसका फोक डांस है? गुजरात का दोस्तों। हीराकुंड कैपेटिव पावर प्लांट जो है, हीराकुंड कैपेटिव पावर प्लांट जो है, ये कहां का है? तो ये उड़ीसा का है। हीराकुंड से नाम पता लग रहा है, हीराकुंड से उड़ीसा, महानदी सभी को याद होगा, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है दोस्तों अपर मन्नार, जो आपका अपर मन्नार डैम है ये कहां पर है? तो ये तेलंगाना में है। तो जो अपर मन्नार डैम है ये कहां पर है? तेलंगाना है। मुंबई गोल्ड कप किससे है? हॉकी से है मुंबई गोल्ड कप। आज जितने भी कप पढ़ाए सभी हॉकी के पढ़ाए हैं, ठीक है। तो लाइक वाइक शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, जल्दी से सभी मेरे साथी, ठीक है, जितने भी मेरे साथी यहाँ पर देख रहे हैं।
39.9 के ही है, एक बार जल्दी से अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दो, 40 के हो जाएंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दोस्तों, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो UNCTAD तैयार करता है जेनेवा में। क्या है? जेनेवा में। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ब्राजील? तो ब्राजील की जो करेंसी कैपिटल है वो ब्रासिलिया है। क्या है? ब्रासिलिया। दोस्तों जेयर बोल्सोनारो राष्ट्रपति है यहाँ के। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जब कोई शूटिंग कर रहा हो तो मुंह नीचे कर लेना, तो इसलिए मुंह नीचे, इसका म्यूनिक जो है इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों चकेरी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर है, चकेरी गंगा नदी के किनारे पर है। ब्लू रिवॉल्यूशन, जो नीली क्रांति है दोस्तों, ये हमारी फिश प्रोडक्शन से है। किससे? फिश प्रोडक्शन से। इंडियाज फर्स्ट सबमरीन INS क्रूसूरा ये कहां पर मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, अब हट गए हैं, अब कौन है? तीरथ सिंह रावत हैं। दोस्तों इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? पीजी ने, पियरे गैसली ने। जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीता था पियरे गैसली ने। सुबह करंट अफेयर ऐसे ही कराऊंगा आप लोगों को, तो सुबह 6 बजे आ जाना, करंट अफेयर ऐसे ही होगा आप लोगों का, इतने ही जोरदार तरीके से। मारू भारत सारू भारत ये किसकी किताब है दोस्तों? ये है रतन सुंदर सुरेश्वर महाराज जी की। जो मारू भारत सारू भारत है रतन सुंदर सुरेश्वर महाराज जी की है। सुश्री अनुसुईया यूके छत्तीसगढ़, सभी को मालूम है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है, जैसे टी प्रकाशम को आंध्रा केसरी कहा जाता है। अगला है दोस्तों तूतीकोरिन पोर्ट कहां पर है? तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। दोस्तों आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, डेचिंगम किश्तवाड़ वही है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कहां पर है? नैरोबी में है दोस्तों। उसके बाद है किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर, 2-3, 2-3 का मतलब होता 5, चौधरी चरण सिंह जी 5वें राष्ट्र प्रधानमंत्री थे हमारे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, तो जल्दी से एक बार बता दीजिएगा फटाफट से सारी चीजों के बारे में। गोची फेस्टिवल कहाँ का है? गोची फेस्टिवल, तो जो गोची फेस्टिवल है अगर उसके बारे में बात करेंगे तो गोची फेस्टिवल कहाँ का है? आंसर कर दो एक बार फटाफट से। गोची महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश का है। क्योटी फॉल कहाँ का है? क्योटी फॉल बता दो एक बार जल्दी से, क्योटी फॉल कहाँ का है दोस्तों? ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि नेट भी जा सकता है। तो क्योटी फॉल जो है आपका मध्य प्रदेश का है, 20 मिनट में सारे खत्म हो जाएंगे। कैपिटल करेंसी फिजी, फिजी की करेंसी है सूबा, फिजा होती है हवा, हवा चलती है सूबा सूबा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सिटी ऑफ स्पीसीज, तो स्पीसीज मसालों का शहर क्या है? कोचीकोडे, कोचीकोडे मसालों का शहर है दोस्तों। कौंडिन्या वर्ल्ड सेंचुरी हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो कौंडिन्या वर्ल्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। 400 लाइक का टारगेट है क्लास खत्म होने से पहले पहले, ठीक है, ये एक ऐसा टारगेट है जो अचीवेबल है, ठीक है। 440 सब कुछ कर दो, मतलब 40K और 400 लाइक इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, चलेगा, बता दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका ताइवान, तो ताइवान क्या है? तेपई, ताइवान तेपई। अभी ताइवान के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझौता किया है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, चलिएगा। उसके बाद है दोस्तों अगर हम बात करेंगे आपसे कुंदाला डैम कहां पर है, तो कुंदाला डैम मिलेगा केरल के अंदर। कुंदाला डैम कहां मिलेगा? केरल के अंदर मिलेगा। कुंभलगढ़, अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है, तो जो कुंभलगढ़ फोर्ट है आप लोगों का वह कहां मिलेगा दोस्तों? वह मिलेगा राजस्थान में। तो कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वह भी आप लोगों का जो है राजस्थान के अंदर है, याद रख लीजिएगा उस चीज को, ठीक है। और नौरा वैली नेशनल पार्क कहां है? नौरा वैली, तो दोस्तों नौरा वैली मिलेगा वेस्ट बंगाल में, नौरा वैली। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी है दोस्तों। संभलपुर इन उड़ीसा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? संभलपुर उड़ीसा, जो आपका महानदी के किनारे, जैसे कटक महानदी के किनारे है वैसी संभलपुर। दोस्तों मिचेल लेक कहां पर है? मिचेल लेक, ये हिमाचल, तो मिचेल में हिमाचल आ रहा है, ये आपका है, याद रखिएगा। नो नेम सर, आप नहीं आंसर देते, चलो आंसर देने दू, चलिएगा। ढुल्लू कुनीता कहां का डांस है बताओ, चलो आखिरी 50 क्वेश्चन है आप लोग कर दो। ढुल्लू कुनीता कहां का है बताओ? ढुल्लू कुनीता, ढुल्लू कुनीता कहां का है अब आप लोग बताओ, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ढुल्लू कुनीता आप बता दो, ठीक है। तो ढुल्लू कुनीता मिलेगा कर्नाटक का, 251 बताओ।
टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन कहां पर है? टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन कहां पर है? लाइक भी हो जानी चाहिए 400। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा पूरा, जापान में। दोस्तों वॉक्सवैगन ग्रुप कहां का है? वॉक्सवैगन, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किया का पूछा था, वॉक्सवैगन ग्रुप कहां का है? वॉक्सवैगन बता दो, वॉक्सवैगन ग्रुप कहां का है? जर्मनी, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, बीएमडब्ल्यू कहां की है? बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू कहां की है? बीएमडब्ल्यू, अगली बार टाइमर लेके आऊंगा। बीएमडब्ल्यू जर्मनी, ठीक है। दोस्तों रिनॉल्ट कहां की कंपनी है? रिनॉल्ट, रिनॉल्ट। क्वेश्चन मत जाइएगा बहुत लंबा, देखो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना आपसे रिनॉल्ट वाले, तो ये इसलिए कि पढ़ने में टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन का सार बस यही है, रिनॉल्ट का हेडक्वार्टर पूछा है उसने। कहां है दोस्तों? फ्रांस में है, ठीक है, क्लियर है। जो दोस्तों बताओ पियोगोट एसे, ये भी एक कंपनी है, कहां की है? पियोगोट एसे कहां की कंपनी है? पेपर में पूछा था इस बार, बैंकिंग में क्वेश्चन करा रखा था मैंने बच्चों को पहले ही। ये है फ्रांस की, कहां की है? फ्रांस की। चाइना की कौन सी है? चाइना की, इसमें से जल्दी से बता दो, चाइना की कौन सी है? चाइना की कौन सी है? चाइना की गिली, गिली गिली चाइना की है गिली, ठीक है। तो कैसे कर दो कि चाइना की गिली होगी तो गिली है चाइना की, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, कार ब्रांड अकुरा, अकुरा, अकुरा कार ब्रांड किसकी है? अकुरा, अकुरा ब्रांड कार ब्रांड किसकी है? अकुरा, अकुरा कहां की है? ठीक है, होंडा वालों की, ठीक है। जैसे किया किसकी है? हुंडई की है, तो अकुरा होंडा की है, ठीक है। चलिएगा, और दोस्तों ये क्या है आप लोगों का? जनरल मोटर्स का हेडक्वार्टर, जनरल मोटर्स का हेडक्वार्टर, तो जनरल मोटर्स का हेडक्वार्टर बता दो, ये यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए में। किया मोटर्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एनटीपीसी में, किया मोटर्स कहां की है? किया, किया, ओ किया, किया साउथ कोरिया, ठीक है। दोस्तों अगला है, मर्सिडीज बेंज कहां की है? मर्सिडीज बेंज, ठीक है, तो ये है आपकी, अच्छा सॉरी पेरेंट कंपनी पूछ रहा है मर्सिडीज बेंज की, पेरेंट कंपनी, क्वेश्चन पूरा बाद में पढ़ा ऑप्शन देख करके, ठीक है, तो पेरेंट कंपनी भी पूछ सकता है, ओके। अब देश कौन सा है मर्सिडीज बेंज का? देश भी बता दो, हैती, हैती, हैती दोस्तों, हैती की कैपिटल, तो हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, तो ये क्या है? हैती की कैपिटल, हैती, हैती की कैपिटल है, हैती का गेम है फुटबॉल, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसको मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, किसको? विश्वनाथ आनंद को। अजी लामू कहां का डांस है? अजी लामू बताया था ना, अजी लामू फोक डांस, तो अजी लामू फोक डांस आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दोस्तों गैम्बिट कौन से उसमें यूज होता है टर्म में, तो गैम्बिट कहां है? चलेगा ये सब पेपर में मिलेगा आपको, सारे पेपर में, क्योंकि ये टोटली जो है करंट अफेयर पे आधारित है। दोस्तों गैम्बिट चेस, गैम्बिट चेस, मैं इनको डिटेल में पढ़ाता हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी तो टेस्ट चल रहा है इसलिए आपको जो है धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर बता दो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर बता दो जल्दी से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क, चलिएगा। कविता चहल किस खेल से है? कविता चहल, कविता चहल किस खेल से है? कविता चहल बॉक्सिंग से हैं। आपको टाइम दे रहा हूं मैं करने के लिए, लास्ट के 50 क्वेश्चन है, तो इसलिए
लाइक वाइक भी करते रहो। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, विश्व दिव्यांगता दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर को, ठीक है। बनाना सिटी किसको कहा जाता है? बनाना सिटी, बनाना में क्या देते हो? जल देते हो, जल। हमारे गांव में जो बनाना ट्री है उसको जल देते हैं, तो जल गांव क्या हो जाएगा? जल गांव। दोस्तों आरमबाग कहां पे है? आरमबाग, आरमबाग आपका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं, डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, टाइम भी थोड़ा सा हो गया है तो उसके लिए 300 क्वेश्चन है, इसलिए। अक्षरधाम टेम्पल नई दिल्ली के अंदर है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर, तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर है वल्टारी बोटास, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स वल्टारी बोटास। कैनरा बैंक कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर, कैनरा बैंक बेंगलुरु के अंदर। रनकपुर जैन टेम्पल, तो रनकपुर जैन टेम्पल, विशाल सैनी नहीं आए, राजस्थान। रनकपुर जैन टेम्पल जो है आपका, ये दोस्तों कहाँ का है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, सोइल डे बता दो कब मनाया जाता है? सोइल डे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे नए साथी सभी लोग, रनकपुर जैन टेम्पल, ठीक है। अगला था सोइल डे, 5 दिसंबर है, सब जानते हैं। जो आपका आइजनहट ट्रॉफी, थोड़ी देर पहले तो बताई थी आपको, आइजनहट ट्रॉफी गोल्फ से है, तो जो आइजनहट ट्रॉफी है वॉकर ट्रॉफी है, दोनों किससे हैं? गोल्फ से हैं। मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश है, मॉलम होता तो गोवा होता, ओके। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट या सुप्रीमो कौन है? तो किम जोंग उन, किम जोंग उन। और आपसे साउथ कोरिया पूछता तो मून जाइन, मून जाइन साउथ अफ्रीका होता। वृंदावन गार्डन्स कहां पर है? तो वृंदावन गार्डन्स कहां पर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बताओगे, वृंदावन गार्डन्स कहां पर है? वृंदावन गार्डन्स कहां पर है? तो वृंदावन गार्डन्स बता दो कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चले ना, वृंदावन है, ठीक है, ये वृंदावन दूसरा है। भारत, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोन एज मैन ऑफ पीस? तो भाई मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है? मैन ऑफ पीस, मुझे पता था यूपी बताओगे, अभी तो रुक गया था मैं। मैन ऑफ पीस कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। गुरु शिखर पीक कहां पर है? गुरु शिखर पीक कहां पर है बता दो एक बार, गुरु शिखर पीक। तो गुरु शिखर पीक राजस्थान के अंदर है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, गुरु शिखर पीक, याद आ गया। चलिएगा बरगी डैम, मैंने कहा था आनंदी बरगी ना कोई, मध्य प्रदेश बरगी डैम। फराक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट, फराक्का दोस्तों ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, फराका। हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हद कर दी आपने, सही दिशा में नहीं चल रहे हो, ओके। हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगढ़ सुने हैं ये नाम पहले कभी? क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना चाहिए दोस्त, क्वालिटी कंटेंट। जीएस में मैटर करता है कंटेंट, ओनली कंटेंट। अगर कंटेंट सही पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलोरा केव्स सभी जानते हैं, महाराष्ट्र। दोस्तों जैसे कोई 40 नंबर का पेपर है उसमें से 20 क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ ले, कोई कैसे भी पढ़ ले, आराम से करके आ जाएगा। जो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं वो 5 क्वेश्चन और कर देते हैं, लेकिन जो बचे हुए 15 क्वेश्चन होते हैं वो कंटेंट पर डिपेंड करते हैं, वो मेहनत पर डिपेंड नहीं करते, वो आपको पढ़ाए जाएंगे तो ही आप पढ़ोगे। तो ये बस वही 15 क्वेश्चन की तैयारी है आप लोगों की, 25 तक तो आप लोग आराम से ले आओगे। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, नतालिया को अभी इसका राजदूत बनाया गया। नतालिया, नतालिया कौन है? रशिया की जो आपकी मॉडल है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। महाराजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम सभी को मालूम है, त्रिपुरा अगरतला, महाराजा वीर विक्रम। ट्यूबरक्लोसिस डे, टीवी हारेगा देश जीतेगा, 24 मार्च है।
हाँ फर्स्ट डे कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहे तो क्या हुआ, सीखने को मिल रहा है ना भाई। गलत तभी तो हो रहा है जब पढ़ा नहीं होगा। अब ट्यूबरोक्लोसिस, अगर हिम्मत है तो ट्यूबरोक्लोसिस को गलत करके दिखाओ। तो ये तो आपने खुशी होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ रखा है वो आपको आता है, जो नहीं पढ़ रखा तो वो तो गलत होगा ही ना यार, कौन सा सीख करके आए हो उस चीज को। इसलिए जो पढ़ नहीं रखा वही गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीखने को मिल रहा है, खुश होना चाहिए, अच्छी जगह हो। हरियाणा के गवर्नर, अब हरियाणा में कौन है, हरी, हरी है नारायण, तो सत्यदेव नारायण आर्य पहला वाला बन गया। स्वास्थ्य लिंक कप एसोसिएट करता है टेबल टेनिस से दोस्तों। भागुरुम्बा कहाँ का है, तो ये मेरे दोस्तों असम का है भागुरुम्बा, ठीक है। भागलपुर बिहार में सिल्क सिटी के रूप से जाना जाता है, गंगा नदी के किनारे है, मार्क कर लीजिएगा। अब भागलपुर गंगा नदी के किनारे भागलपुर बिहार में है, ये गलत करके दिखाओ, नहीं कर सकते क्योंकि आता है दोस्तों। कंचनजंगा नेशनल पार्क सबको पता है कहाँ मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, यूनेस्को का है। फॉर्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है, सब जानते हैं और वो ब्रिटेन के ही रहने वाले हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है, तो लग्जमबर्ग में है। कहां पर है, लग्जमबर्ग में। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है लग्जमबर्ग में है, याद रखेंगे। नए स्टूडेंट का वेलकम है सारी चीजों को लेकर के, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे है, सबको मालूम है, एग प्रोडक्शन से, अंडा, अंडा सिटी नमक्कल पढ़ी थी ना हमने, अंडा सिटी नमक्कल। चलिएगा 40 के हो गए, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, थैंक यू सो मच। अब देखो एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, 40 के हो गए यार अब आप लोग के, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं, मुझे अच्छा लगा कि 300 होने से पहले पहले 40 के हो जाएं, इससे अच्छा क्या है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को है, ठीक है, इसको जल्दी ही हम 50 के लेकर के जाएंगे। तो ये दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, ठीक है, मेरी तरफ से हैप्पी होली, ठीक है। लव ब्लॉक्स कह रहे हैं सर एक्सप्लेन तो करो, लव ब्लॉक्स जो एक्सप्लेनेशन वाली क्लास होती है दोस्तों उसमें एक्सप्लेन भी किया जाता है। ये क्लास जस्ट एक रैपिड फायर के तौर पे मैंने लगाई है ताकि बच्चों को क्वेश्चंस पता लगे। अगली बार इनको एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो रिमाइंड हो जाएंगे। डोमिनी एक फोक डांस है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल का है डोमिनी। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है दोस्तों, ये आप सभी के लिए था, ठीक है। तो कोस्टा रिका सैन जोस कैपिटल है कोस्टा रिका की, सैन जोस। 300 क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फटाफट से। महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम गुजरात में है, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम गुजरात में है दोस्तों। और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है कहाँ के, फ्रांस के। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, ISSF का हेडक्वार्टर है मुंह नीचे वाला, बताएंगे कैसी क्लास रही। ये दोस्तों हमने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि एक्सप्लेनेशन में 300 क्वेश्चन को बहुत टाइम लगता, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में 5 मिनट लगते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी, एक्सप्लेनेशन वाली क्लास आपकी चल ही रही है। 5 अप्रैल से प्रॉपर आप लोगों की क्लास होंगी दोस्तों, याद रखिएगा उन सभी चीज़ों को। कोई अगर इसमें डाउट है आप लोग मुझे बता देंगे सारी चीज़ों के बारे में। सारी चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हैं तो जल्दी से एक बार बता दो फटाफट से सारे मेरे साथी, ठीक है। क्लास कैसी थी ये भी जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करेंगे। सुबह 6 बजे मिलेंगे, 13 को पेपर है, काफी काम आएगा। सर डाउट है ईशा बॉट्स, जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा, मोस्ट वेलकम दोस्तों। लाइक 400 हो जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, सारा चार चार मामला हो जाएगा। देखो 400 लाइक हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों 400 लाइक हो जाएंगे, 40,000 सब्सक्राइबर, 4 डिसलाइक, तो चार चार हो जाएगा ना सारा मामला, कर दो एक बार फटाफट से। 300 क्वेश्चन थे, एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी इसमें, क्यों, क्योंकि ये क्लास एक्सप्लेनेशन वाली नहीं थी। एक्सप्लेनेशन के लिए सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 8 बजे, तीनों क्लास मेरी टाइमिंग है। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर लेंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेंगे। और कोई भी क्लास आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे देखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो GC10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, GC10 लगा देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय है।
कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस कुमार, आरआरबी में सेलेक्ट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस कुमार, आपकी मेहनत रंग लाई। ठीक है, चलिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, हैप्पी होली। सुबह 6 बजे हैप्पी होली करेंगे हम, सुबह 6 बजे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।